नमस्कार, आप कैथल टीवी देख रहे हैं, मैं हूं अजय। कैथल की जांच संस्था का कार्यभार अब पूर्व एचसीएस अधिकारी मांगेराम ढूल संभालेंगे। मांगेराम ढूल आज इसी कड़ी में कैथल की जाट कॉलेज में पहुंचे और यहां पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर मांगेराम ढूल का कहना था कि जाट संस्था के निष्पक्ष चुनाव को करवाने में उनकी बड़ी भूमिका रहेगी। इसी के साथ जो आगामी काम काज होंगे संस्था के, वो भी वो देखेंगे। इस मौके पर उनका जो कुछ कहना था, सुनिए। मैं मांगेराम ढूल, रिटायर्ड एचसीएस फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट सर्विसेज। मेरे को जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तौर पर सेवाएं करने का मौका मिला है सरकार की तरफ से, जैसा उस पत्र में आदेश है कि यहाँ शांति प्रिय ठीक स्मूथली चुनाव कराया जाए संस्था का, और जब तक चुनाव नहीं होता तब तक एज ए प्रेजिडेंट की जो ड्यूटीज हैं, यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसका सारा कार्यभार मेरे को दिया गया है, और मैं आपको प्रेस के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भरसक इसमें खरा उतरने की कोशिश करूँगा, और इलेक्शन भी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सत्यापन के तहत निष्पक्ष कराऊँगा। संस्था के जो सदस्य हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? संस्था के जितने भी मेंबर, हॉल लेबर मेंबर 15,092 से कुछ पहले थे, ऑल इज इक्वल। वैसे भी जितना हमारा समाज है, ये कल्ला उन मेंबरों के भी नहीं है, सारे समाज का इसमें सहयोग है, चाहे वो किसी का 1 रुपया लगा है, और लोग भी जो दान देकर गए उनका भी सहयोग है। हमारा एम है कि संस्था आगे बढ़े। ठीक है, इसके हमने बहुत पुराने समय से इसको देखा है, जब मिस्टर पोलू और हमारे ही गांव के बड़े गांव के महेंद्र सिंह पाई हुआ करते थे, जब भी झगड़े हुए, संस्था एक बार नीचे नरक में भी रही। अब इसके भाग्य अच्छे जाके अच्छे लोग आए, इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, हम भी उसमें एक कड़ी है। हम भी कोशिश करेंगे कि उनसे भी बढ़िया करके दिखाएं, ताकि समाज में हम भी सिर ऊंचा करके जीना का साहस रखें। अभी जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें सदस्यों की जो लिस्ट तैयार की गई थी उसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं, और आप देखो अभी तो मैंने आज चार्ज जूम किया है, अभी पूरा चार्ज भी जो कागज पत्र प्राप्त करने हैं, लेकिन इसके आगे के बारे में मैं आपको वो कागज चेक करके नेक्स्ट वीक में जब भी आपको समय मिले या मुझे मिले आपको बुलाऊँगा, तो आपको पूरा अवगत कराएंगे, और मैडम डीआर से भी पूछ लेंगे इसके बारे में, और यहाँ का जो जिला प्रशासन है डी साहब को भी मिला था, उनको भी मैंने यही आश्वासन दिलाया है कि हम संस्था को स्मूथली चलाएंगे, कोई पार्टीबाजी या पॉलिटिकल अफेयर नहीं होने देंगे इसमें। कब तक उम्मीद है इलेक्शन करवाने की, कितने समय बाद? इलेक्शन प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है वार्ड बंदी के ऊपर, खासकर वार्ड बंदी के बाद जो समय डीआर डायरेक्टर ऑफिस से मिलेगा उस समय चुनाव कराएंगे। आपकी जो नियुक्ति है उसमें सर आप ये बताया जा रहा है कि जजपा की तरफ से आपको अपॉइंट किया, डिप्टी सीएम का आशीर्वाद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पार्टी फेयर पर सब कहते हैं, मैं अब किसी भी पार्टी का कोई किसी पद पे नहीं हूँ, आई एम ओनली रिटायर्ड ऑफिसर, और बाकी तो हर आदमी कहीं न कहीं किसी न कहीं जुड़ा होता है, लेकिन चाहे मैं कहीं भी जुड़ा रहा, लेकिन आज जो मैंने ये पद ग्रहण किया इसमें मैं किसी पार्टीबाजी विशेष को महत्व नहीं दूंगा, बल्कि संस्था की दांव भलाई होगी वहाँ उसको इम्पोर्टेंस दूंगा। आपके अपॉइंटमेंट के लिए सरकार का कुछ धन्यवाद आपकी? सरकार का इसमें कुछ नहीं, मुझे पता लग गया था कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे लगाना है, मैं भी मुझे भी एक दर्द था, एक संस्था और है हमारी जाट धर्मशाला, उसके बारे में भी मुझे इन्विटेशन आया था पीछे कि आप बड़ो प्रधान, शायद मैं उसको भी सुधारने का किसी और भाई को मौका मिले या मुझे मिला। ये दोनों बिगड़ी हुई जो संस्थाएँ थी जिनमें कोई अव्यवस्था हो रही है, कोशिश करूँगा भरसक इनको ठीक किया जाए।